और आखिरी दिनों में वो बीमार रहने लगे थे और जानते थे कि नहीं बचेंगे। ओम प्रकाश जी को दिल का दौरा पड़ने पर उन्हें मुंबई में ही लीलावती अस्पताल में ले जाया गया था, जहां वो कोमा में चले गए थे। 21 फरवरी सन 1998 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। कुछ तो आकर चले गए गोतैया। पूरी दुनिया का एक ऐसा मशहूर चेहरा ओम प्रकाश जी, जो कभी अपनी कॉमिक टाइमिंग से लोगों को रुलाते तो कभी लोगों को गुदगुदाते थे। अंग्रेजी जानते हो कि अब वैज्ञानिक भाषा है साहब, सी यू टी कट है तो पी यू टी पुट, टी ओ टू डी ओ डू किंतु जी ओ गो हो जाता है, जब टी ओ टू डी ओ डू तो जी ओ गो क्यों नहीं होता साहब? हालांकि वे एक चरित्र कलाकार थे, लेकिन उनके दमदार अभिनय को सभी मानते थे। वो जिस भी फिल्म में काम करते थे उस फिल्म में जान डाल देते थे। मैंने आज तक कभी तुमको मारा है? कभी गलत नहीं समझेगा, कभी नहीं समझेगा। मेरा भाई है, मेरा बच्चा है। अकेला कहाँ है शंकर? मैं अभी जिंदा हूँ, अभी जिंदा हूँ। सिवाय मौत के हम दोनों को कोई अकेला नहीं। भैया, जाने दूंगा मैं, अब नहीं जाने दूंगा तुमको। सोचता हूँ अपने घर को देख कर, हो न हो ये है मेरा देखा हुआ। ये दुनिया नहीं जागीर किसी की, राजा हो या रंक यहाँ तो सब है चौकीदार। कुछ तो आकर चले गए कुछ जाने को तैयार। खबरदार खबरदार, इन्हें मरने का सिलसिला, कोई आ रहा है अभी अभी, कोई आके पहले चला गया, एक दिन तुमको भी जाना है। अरे फकीरा, दोस्तों ये यूनियन पार्क चेंबूर का वही घर है जहां ओम प्रकाश जी ने अपना आखिरी वक्त बिताया था, और इसी घर में उनको दिल का दोहरा पड़ा। बाद में लीलावती अस्पताल ले जाया गया, वहां पर उनको एक और दिल का दोहरा पड़ा जिससे वो कभी उभर नहीं पाए। 21 फरवरी 1998 को ओम प्रकाश जी इस दुनिया से रुखसत हो गए। हेलो दोस्तों, मैं हूं कासिम, और अभी मेरे पीछे जो आप घर देख रहे हैं वो है ओम प्रकाश जी का घर। मुझे बड़ी मत कीजिए, मुझे बड़ी मत कीजिए। बड़े बड़े नाखून लेकर आगे की तरफ बढ़ती हंसती हुई। दोस्तों ओम प्रकाश जी की लव स्टोरी भी बड़ी मजेदार थी। एक किस्सा शेयर करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे एक सिख लड़की से प्यार हो गया था, लेकिन लड़की के घर वाले मेरे खिलाफ थे क्योंकि मैं हिंदू था। मेरी माँ उनके घर बात भी करने गई, लेकिन उसके घर वाले नहीं माने। इसके बाद जो कुछ हुआ उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। दोस्तों एक दिन ओम प्रकाश जी पान की दुकान पर खड़े थे, तभी एक विधवा महिला आई और अपनी बड़ी बेटी से शादी करने के लिए ओम प्रकाश जी से मिन्नतें करने लगी। ओम प्रकाश जी की आत्मकथा के मुताबिक महिला ने कहा कि वो विधवा है और उनकी चार बेटियाँ हैं, जिनमें सबसे बड़ी 16 साल की थी। वो उन्हें दामाद बनाना चाहती थी। इसके बारे में उनकी माँ से भी उनकी बातचीत हो चुकी थी। उन्होंने उनके आगे अपना पल्लू फैलाया और उन्होंने विनती की कि वो उनकी बेटी से शादी कर ले। फिर क्या था, उन्होंने अपने प्यार को भुला दिया और उस महिला की लड़की से शादी कर ली। भी नहीं किया। उनके जीवन में कई बड़ी फिल्में आई हैं जो ब्लॉकबस्टर भी रहीं। उनमें से कुछ प्रमुख फिल्में हैं पड़ोसन, जूली, 10 लाख, चुपके चुपके, बैराग, शराबी,
नमक हलाल, प्यार किए जा, खानदान, चौकीदार, लावारिस, आंधी, लोफर और जंजीर उनके जीवन की आखिरी फिल्म थी नौकर बीवी का। एक्टिंग के साथ साथ ओम प्रकाश जी ने फिल्म निर्माण में भी हाथ आजमाया। ओम प्रकाश जी ने ही फिल्मों में गेस्ट रोल का चलन शुरू किया था। उन्होंने 60 के दशक में फिल्म संजोग, जहां आरा और गेटवे ऑफ इंडिया जैसी फिल्में बनाई। नमक हलाल, प्यार किए जा, खानदान, चौकीदार, लावारिस, आंधी, लोफर और जंजीर उनके जीवन की आखिरी फिल्म थी नौकर बीवी का। ओम प्रकाश जी वो एक दमदार अभिनेता थे, लेकिन उन्हें मेगा स्टार अमिताभ बच्चन की फिल्मों में काफी सराहा गया। मन में मस्ती होती है, दिल में एक तरंग होती है। जिंदगी में हर मजाक कर लेना, लेकिन इस बूढ़े से फिर कभी ऐसा मजाक न करना। इन्हीं दो किरदारों की बदौलत अभिनेता ओम प्रकाश जी ने लोगों के दिलों में ऐसी जगह बनाई कि लोग आज भी उन्हें याद करते हैं और उनकी एक्टिंग करते हैं। अभिनेता ओम प्रकाश जी का जन्म 19 दिसंबर 1919 को जम्मू में हुआ था। उनका पूरा नाम ओम प्रकाश बख्शी था। उनकी शिक्षा लाहौर में हुई थी, जो कि अब पाकिस्तान का हिस्सा है। उनकी शुरू से ही कला में रुचि थी। उन्होंने लगभग 12 साल की छोटी सी उम्र में ही शास्त्रीय संगीत की शिक्षा लेनी शुरू कर दी थी। साल 1937 में ओम प्रकाश जी ने ऑल इंडिया रेडियो सिलोन में 25 रुपये की वेतन पर नौकरी की। रेडियो पर उनका कार्यक्रम फतेह दिन लोगों को खूब पसंद आया। अभिनेता ओम प्रकाश जी की हिंदी फिल्म जगत में एंट्री फिल्मी अंदाज में हुई थी। इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। दरअसल वो एक दोस्त की शादी में गए थे, जहां दलसुख पंचोली ने उन्हें देखा और तार भेजकर लाहौर बुलाया। दलसुख पंचोली ने अभिनेता ओम प्रकाश जी को वर्ष 1950 में आई फिल्म दासी के लिए 80 रुपये के वेतन पर अनुबंधित किया था। ये ओम प्रकाश जी की पहली बोलती फिल्म थी। इन दोनों ने मिलकर दुनिया गोल है, चंकार, लकीरें जैसी फिल्में बनाई। उसके बाद ओम प्रकाश जी ने अपनी खुद की फिल्म कंपनी बनाई और इसके बैनर तले भैया जी, गेटवे ऑफ इंडिया, चाचा जिंदाबाद, संजोग जैसी फिल्में बनाई। बहुत कम लोग जानते हैं कि अभिनेता ओम प्रकाश जी ने फिल्म कन्हैया को भी प्रोड्यूस किया था, जिसमें राज कपूर और नूतन मुख्य भूमिकाओं में थे। ओम प्रकाश जी की फिल्मों में अक्सर बड़े सितारे मोतीलाल, अशोक कुमार और पृथ्वीराज होते थे। लोग उन्हें अपने समय में डायनेमो कहकर बुलाते थे। चले जाओ, मैं कहता हूँ चले जाओ। भाई एक रहा है, जुबान बंद करो। कौन कहता है कि मैं काम करने के काबिल नहीं रहा? कहा था कि मरने से पहले इस घर से नहीं जाऊंगा, लेकिन आज एहसास हुआ कि मैंने गलत सोचा था।